फिल्म जय हो के कलेक्शन तो 100 करोड़ हो गए, पर फिल्म को काफी क्रिटिसाइज किया गया और ये फिल्म इतनी सफल नहीं हो पाई जितनी सलमान की पास्ट फिल्म्स रही हैं। इस बात को सलमान ने भी एक इवेंट पर कबूला एंड ऑल्सो प्रॉमिस्ड दैट हिज नेक्स्ट वेंचर विल इम्प्रेस एवरीवन। बट जय हो के विलन संतोष शुक्ला शायद ही सलमान की इस हार को मानेंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग फिल्म का मैसेज ऑडियंस तक बराबर पहुंचा है। सुनिए खुद संतोष से, हु स्पोक एक्सक्लूसिवली टू ज़ूम। जब हम इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो हमें इस बात का अंदाजा था कि शायद जय हो दबंग और दबंग 2 के जैसा बिजनेस नहीं करेगी। वी वर प्रिपेयर्ड। सलमान भाई ने पहले बोल दिया था कि जय हो इज गोना बी अ कल्ट क्लासिक फिल्म, ये एक अच्छी फिल्मों में से होगी, इसकी श्रेणी उत्तम श्रेणी होगी। आपने देखा होगा सारे 3.5 स्टार, जितने भी न्यूज़पेपर्स थे, जितने भी न्यूज़ चैनल्स थे, हर जगह इसको स्टार्स बहुत अच्छे मिले, लोगों ने बहुत सराहा इसके, फिल्म की बहुत तारीफ़ हुई, डायरेक्शन की तारीफ़ हुई, लोगों के परफॉर्मेंसेस की तारीफ़ हुई। और आज शायद इसी वजह से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि जय हो में थोड़ी तारीफ मेरी भी हुई है। जी हाँ, संतोष का कहना है कि सलमान ने पहले ही कह दिया था कि ये फिल्म उनके पास्ट फिल्म्स जितनी नहीं चलेगी, बट जो इस फिल्म के थ्रू मैसेज पहुंचाना था वो ऑडियंस तक जरूर पहुंचा है। एंड व्हाइल डिफेंडिंग सलमान, संतोष आल्सो एडेड, फिल्म हमने बनाई, एक सिंपल मैसेज था फिल्म में, थैंक यू मत कहो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने आपके ऊपर कोई एहसान किया है, थैंक यू मत कहो, 3 लोगों की मदद करो, उनको बोलो और 3 की मदद करें, ये मैसेज हम आम जनता तक पहुंचाना चाहते थे, समझ रहे। उसमें क्या कि ये मैसेज 10 लाख लोगों तक पहुंचा, 10,000 लोगों ने अगर इसको फॉलो कर लिया, सलमान खान की जय हो गई। And also said that in 3 months box office पर as such कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है जो सलमान की फिल्म को टक्कर दे सके। हम बहुत खुश हैं और अभी 3 महीने हो गए हैं, आप ये जनवरी फरवरी मार्च कोई ऐसी पिक्चर नहीं आई जो जय हो को टक्कर दे पाई हो। जय हो 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर गई, अभी तक कोई ऐसी फिल्म नहीं आई, जब आएगी तब देखेंगे, तब तक भाई की दूसरी फिल्म आ जाएगी। चलिए संतोष, अब जब आपका सलमान पर इतना कॉन्फिडेंस बना हुआ है कि सलमान की नेक्स्ट फिल्म आते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा जाएगी, तो वी विल आल्सो होप द सेम फॉर हिम एंड द मैसेज इज डिलीवर्ड इन अ प्रॉपर वे। वहीं जय हो से हटके हमने संतोष से पूछा कि क्या वो बॉलीवुड कैंप्स में बिलीव करते हैं एंड वुड लाइक टू वर्क विद SRK हु इज सलमान सो कॉल्ड आर्क राइवल। टू दिस लिसन अप व्हाट संतोष हैड टू से। सलमान भाई जो है वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे मेंटोर हैं, वो मेरी फैमिली हैं। मुझे बॉलीवुड में अगर आज पहचान मिली है तो सलमान खान की बदौलत मिली है, ठीक है। सो मैं ऐसा कोई काम भविष्य में भी नहीं करूँगा जिससे उनको कहीं से भी ठेस पहुँचे। मुझे नहीं लगता कि सलमान भाई को कभी कोई तकलीफ़ होगी कि संतोष शुक्ला शाहरुख खान के साथ काम करे या फिर फराह खान के साथ काम करे या फिर सैफ अली खान के साथ काम करे। संतोष शुक्ला को रोल पसंद आना चाहिए, सलमान भाई से यही सीखा है। अगर आपको रोल अच्छा लगता है आप हाँ बोलिए और करिए जा करके, क्योंकि आप बोल रहे हैं अपोजिट कैंप है, ठीक है। मैं अगर उस कैंप में भी जाता हूँ तो लोग बोलेंगे सलमान का आदमी है, तो सलमान का आदमी जो वहाँ जा करके जो वो परफॉर्मेंस देगा तो भाई सबकी हवा टाइट हो जाएगी, इस बात का वादा। अरे अरे, सलमान के दम पर इतना गुनगाना संतोष, शायद सलमान के ऑपोजिट कैंप वालों को पसंद ना आए एंड दे माइट थिंक 1,000 times बिफोर कास्टिंग यू, बट सलमान के लिए इतनी लॉयल्टी देखकर हम काफी इम्प्रेस हुए। तो वी होप कि और कोई कैंप में ना सही बल्कि सलमान की ही कैंप में कोई फिल्म जल्द आपको मिल जाए। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई।